हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे हीरो इमेज। हीरो इमेज होती है जब भी हमारी वेबसाइट स्टार्ट होती है, जो होम पेज होता है, होम पेज लैंडिंग पेज या जो फ्रंट पेज होता है, वहां पर हमने एक इमेज लगानी होती है जिससे पता चलता है कि हमारी जो वेबसाइट है किस रिगार्डिंग है। तो वो जो इमेज होती है, एक इमेज हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट करती है। वो जो इमेज होती है वो वही होती है एक हीरो इमेज। तो ये हम ऐसे ही लगा सकते हैं, इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं। इसके बीच प्रोडक्ट की लगाओ, जो भी आपका जो मेन प्रोडक्ट है। पोर्टफोलियो बनाना है, आप अपनी इमेज लगाओ। इसमें हमारा जो मेन मोटिव है, इसको एनिमेटेड बनाना। तो एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे, आप ऐसे एक एनिमेटेड बना सकते हैं हीरो इमेज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे आप अपनी नेविगेशन बार लगा सकते हैं, जहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, एक बटन लगा दो लॉगिन का, तो आपका जो एनिमेटेड होम पेज हो जाएगा जहाँ से रेडी। तो इसको आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ही आसान है इसको बनाना। यहाँ पे सबसे पहले बस हमें एक इमेज चाहिए, कोई भी इमेज हो। आप अपनी बेशक हर एक इमेज को जी एनिमेशन लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आपने हीरो इमेज के ऊपर ही लगाना है। यहाँ पे एक डिव लगा देते हैं, इसको क्लास ऐड कर देते हैं कंटेनर की, ये जरूरी नहीं है तो इसको हम स्किप ही कर देते हैं। डायरेक्ट हम इमेज ही लगा देते हैं। इमेज लिखो, सोर्स मेरे पास इधर मेरे फोल्डर में है इमेज, मैं यहाँ पे वो इमेज लगा देती हूँ। ये लग गई इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे चलो सीएसएस फाइल में, इसको हमें सेंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हीरो इमेज होती है वो या तो लेफ्ट साइड होती है या फिर राइट साइड होती है। तो इधर कुछ हमारा कंटेंट होता है या फिर कोई बटन लगाना हो, फिर इधर हमारी नेविगेशन बार होती है। तो हमें ये सेंटर में करने की जरूरत नहीं है, हम बस बॉडी का बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। ब्लैक करना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपने ये ब्लैक रखना ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले पहले हम ऐसा करते हैं, इधर जो इमेज लगाई हुई है उसको कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। हाइट विड्थ आपकी मर्जी है, कितनी हाइट विड्थ रखनी है। हाइट विड्थ मैं दोनों सेम रखूंगी, यहाँ पे इतनी रहेगी हमारी हाइट। और इसको लेफ्ट से थोड़ा सा मूव कर देते हैं, आप पिक्सल में भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ गई इमेज हमारी, लेफ्ट से मूव और कर देते हैं। लेफ्ट से ये मूव नहीं हो रहा, चलिए इसको हम बाद में देते हैं, नहीं तो हम पिक्सल में करके देख लेते हैं। अगर मूव ना हुआ तो हम इसको मार्जिन दे देंगे, कोई बात नहीं, नहीं तो हमें कंटेनर लगाना पड़ेगा, तभी वो मूव नहीं हो रहा है। तो इसको छोड़ो, पहले हम लगा देते हैं बॉर्डर रेडियस। अब देखो वो लुक कैसे लेके आनी है, आप जहाँ पे कोई बॉर्डर रेडियस ऐड करो। बॉर्डर रेडियस हम ऐसे लगा सकते हैं, पहले मान लो मैं यहाँ पे 80% बॉर्डर लिख देती हूँ। बॉर्डर रेडियस इमेज की लुक कैसी होनी चाहिए वो सबसे जरूरी बात है। तो जहाँ पर मैं और 20% लिख देती हूँ, देखते जाओ इमेज की लुक कैसी आएगी, कुछ ऐसी आ गई इमेज। उसके बाद 60% और दे दो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चार साइड से होता है बॉर्डर रेडियस, कुछ ऐसी आ गई इमेज। एक और दे दो, 10% लिख देते हैं, तो ये आ गई, थोड़ा सा इधर से हो गया, ठीक है। तो ये इमेज आ गई। अब आपने आप देखना है खुद आपको कैसी लुक चाहिए, आपने पास जहाँ पे ये वैल्यूज चेंज करनी है। आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसी लुक आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 80 ही लिखूंगी, मुझे ऐसे ही चाहिए। तो ये आप अपनी अकॉर्डिंग वैल्यूज लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगी ट्रांसफॉर्म, स्क्यू कर दूंगी 15 डिग्री। स्क्यू होता है थोड़ा सा टेढ़ा करना, ये भी जरूरी नहीं है, ऐसे थोड़ी सी अब ये टेढ़ी हो गई है, आप और ज्यादा कर सकते हैं, जरूरी नहीं इतना ही करना है। 45 डिग्री के साथ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी दिखेगी। मैं यहाँ पे 15 ही लिखूंगी। यहाँ पे लगाओ एनिमेशन, एनिमेशन का नाम रोटेट रख देते हैं, टाइमिंग रख दो 5 सेकंड रख देते हैं, इनफाइनाइट ये मूव होगा, बस इतना ही लिखेंगे। अब देखो इसमें एक बॉक्स शेडो भी लगा देते हैं, बॉक्स शेडो, तो इसके साथ थोड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा, तो दिखने में ज्यादा सही लगेगी। ऐसे लगा सकते हैं, मुझे चाहिए लाइट ब्लू कलर का, तो लाइट वाला इफेक्ट आ जाएगा, जैसे बिल्कुल लाइट होती है।
तो ये वाले आ गई एक बॉक्स शैडो, लेकिन अभी ये सही नहीं है। 15 15 8 पिक्सल, इसको ज्यादा कर दो, 85 पिक्सल कर दो। अब सही है, तो यहां से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 85 अगर ज्यादा लग रही है तो आप इसको 45 कर दो, लाइट इफेक्ट आ जाएगा इसका। बस इतना ही सही है। अब इसमें एनिमेशन ऐड करनी है, बस यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करो। एनिमेशन का नाम रोटेट। अब देखो कैसे करना है, 0% पे जो बॉर्डर रेडियस है इसको कॉपी करो, यहाँ पे कर दो पेस्ट। 0% पे बॉर्डर रेडियस सेम रहेगा जो है, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल है। चेंजेस कहाँ पे करनी है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस रखना है। मैं जहाँ पे डिफरेंस रखूंगी 25 का, तो 25% पे जो बॉर्डर रेडियस होगा बस उसको चेंज करो। कितना चेंज करना है ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जहाँ पे कर देती हूँ कुछ ऐसे, बस इसकी वैल्यू रिपीट ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहो, तो उसमें एनिमेशन आनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद कॉपी कर लो, 25 यहाँ पे लिख दो। अब 50 कर देते हैं, 50% पे इसका जो बॉर्डर रेडियस रहेगा इसको चेंज कर दो। मैं 60% कर देती हूँ, 47 कर दो, यहाँ पे 34 कर देते हैं। कुछ भी जो भी आपके माइंड में आई, जैसा भी आपको लुक चाहिए आप वैसे ही लगा सकते हैं। अब इधर से चेंज होने लग गया। अब मैंने 25% गैप रखा है, आपने जरूरी नहीं इतना ही रखना है, आप इसको 10% भी रख सकते हैं। उतने ज्यादा की फ्रेम लगाएंगे उतनी ज्यादा इसमें एनिमेशन होती जाएगी, मतलब यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ पे 20, फिर 30, 100% कंप्लीट करना होता है तो आपके 10 की फ्रेम लगेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतने ही लगा रही हूँ आपको बताने के लिए, उसके बाद आप जितने मर्जी लगा दो। यहाँ पे 75 आएगा, 75 में हम इसको और चेंज कर देते हैं, 72% 3 कर दो। चलो इधर कर देते हैं 54 कुछ कर देते हैं, इधर कम कर देते हैं, इधर 40 कर दो। जैसी लुक आपको सही लगे, बस वाटर इफेक्ट आना चाहिए। अब देखो ये चेंज होता ही रहेगा, बस लास्ट है, 100% कर दो इसको, 100% में इसको चेंज कर दो, 45 कर दो, 21 कर दो, 76 कर दो। चार साइड से बॉर्डर रेडियस होता है। अब हम जहाँ पे कुछ ऐसे और ऐड करते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। अपने आप बस एनिमेशन यहाँ पे बनती रहेगी, जिधर भी वो आएगा ना, जिसको इसको जिधर भी ये वैल्यू मिलेगी। आपने सिर्फ चार वैल्यू से ही लगानी है, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट है, चार साइड होती है, तो चार साइड से ही हमने बॉर्डर देना है। ये हो गई हमारी इमेज रेडी। तो इसको आप थोड़ा सा टॉप से मूव करना चाहते हैं, वैसे तो जब आप यहाँ पे नेविगेशन बार लगाएंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगी, तो फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको मार्जिन भी दे सकते हैं, नहीं तो जब हम कंटेनर लगाएंगे वहां पर डायरेक्ट आप, नहीं तो एक और प्रॉपर्टी है, हम ऐसा करते हैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसलेट कर दो, बाई एक्सिस से करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा नीचे लेके आना है, 100 पिक्सल कर दो। इतना हो गया, बस इतने सही है। अगर इधर से भी करना है लेफ्ट साइड से, तो आप एक्स वाई दोनों लिख सकते हैं, मतलब आपने कुछ लिखना ही नहीं, ट्रांसलेट कर दो तो वो दोनों से मूव कर देगा। तो अगर आपने दोनों से ऐसे लिखना है, एक्स से लिखना है साथ में बाई में भी लिखना है, तो यहाँ पे कर दो ट्रांसलेट, बाई से 100 पिक्सल, तो एक्स और वाई दोनों से ट्रांसलेट हो जाएगा। ये हीरो इमेज होगी रेडी। जहां पे आप लगा दो नेविगेशन बार, इधर एक बटन लगा दे दो, अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो, इधर लोगो लगा दो अपनी वेबसाइट का, आपका एनिमेटेड जो पेज होगा वो हो जाएगा रेडी। यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।